तैयार हो गई तुम? बुलाओ अपनी, जल्दी पहनो, लेट हो रहा है। हम समय से लेट चल रहे हैं, लेट निकलेंगे तो दर्शन भी लेट होगा फिर, इसलिए अभी सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा। सब जल्दी जल्दी भी है एकदम। भोजपुरी का आप इंजॉय करते रहना यहाँ पर। का हो कैसन बा? इतना ठंडा है सुबह सुबह, क्या बताए। चंद्रमा देखो कितना अच्छा लग रहा है। श्री रामचंद्र जी की। ये रहा पूर्वांचल एक्सप्रेस। काफी दूर से ही लिख के आ रहा था कि गाजीपुर के लिए जाना है तो लेफ्ट साइड से मुड़ जाए। दिस इज द वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट बाय पीएम नरेंद्र मोदी। बहुत ठंड है अभी तो, लेकिन नहाना स्नान तो बनता ही है। इतनी ठंडी लग रही थी, फाइनली मुझे स्वेटर पहनना पड़ा, रहा नहीं जा रहा था। हल्की हल्की धूप निकली है, प्यारे सूरज लग रहे हैं। सुबह कितनी फॉग थी आपने देखा ही होगा। जय श्री राम। 150 ग्राम मान लिए। इसे गिरा दे। ट्रेनिंग है, इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, बैग कैसे लेके चलना है। ट्रेन लेके जाएगा वरना दिल्ली जाएगा पर क्या। काफी कुछ बदलाव हो गया है। 2 साल पहले जब हम आए थे तो यहाँ पर कुछ नहीं था, ऐसा बोटिंग वोटिंग कुछ नहीं थी। देखो बोटिंग यहाँ पे आ गई है, कितनी सारी बोट्स लग गई है। पर जब आए थे और पानी था, इस बार पानी कम हो गया, देख रही हूँ वहाँ पर। सरस्वती का पहला मुंडन था तो यहीं पर ही हुआ था ये तो, और आज उसने स्नान भी कर लिया इस पानी में। ठंडी लग रहा है, ठंडी लग रहा है। सिद्धि ठंड नाव नाव हो गया? नाना नाव नाव कर लिए। ये है राम घाट, यहाँ से 4 से 4.5 किलोमीटर दूर गुप्तार घाट है, जहाँ पर दिवाली के दिन बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे हैं। काम बहुत तेजी से चल रहा है, यहाँ पर भी साफ सफाई पहले से ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिख रही है, पहले इतना भी नहीं हुआ करता था यहाँ पर। ये रास्ता चले जाएगा हनुमानगढ़ी, कनक महल और दशरथ महल की तरफ, इसी गली गलियारे में आएंगे। बनारस में गए थे तो वहाँ पर सब गलियाँ पूरा ऑरेंज कलर में थी और यहाँ पर पूरा येल्लो में दिख रहा है आपको। तो पहले बजरंगबली के दर्शन करो हनुमानगढ़ी में, उसके बाद राम जन्मभूमि में श्री राम जी का दर्शन करिए, तब यात्रा पूरी मानी जाती है। पर आना तो बेसन के लड्डू जरूर खाना, क्योंकि उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है और यही बजरंग बली को भी चढ़ता है। तो यहाँ के जैसा बेसन का लड्डू आपको कहीं खाने को नहीं मिलेगा, कहीं वैसा स्वाद नहीं मिलेगा। बजरंग बली की। आदमी सेल्फी ले रहा था पीठ ऐसे करके, तो पंडित जी गुस्सा हो गए, जोर से एक माला फेंके उन्होंने, जय सिया राम। ऐसे लगा कि मुझे बोल रहे हैं, तो बाद में पता चला कि वो बंदा सेल्फी ले रहा था और वो माला आके मेरे सर पे लगी ऐसे। इससे पहले हनुमान टीला कहा जाते तो मान्यता ऐसी थी कि जब राम भगवान राम जन्मभूमि में रहते थे, बजरंग बली यहाँ से उस महल की रक्षा करते थे।
उनसे थोड़ी सी मुलाकात हुई जो दिन रात यहाँ सेवा करते हैं लोगों की। नमस्कार सर, हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि के बीच में करीब 100 मीटर का ही डिस्टेंस है, वॉकेबल है यहाँ पर, आप वॉकेबल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूछते पाछते भी जा सकते हैं और लोग उसी की तरफ भी जा रहे हैं मतलब। और आगे भी हमें दशरथ महल भी इसी गली में ही है और हमें सीधे सीधे चले जाना है। आगे बहुत ही टाइट, बहुत ही भीड़ है, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है, 2 लेयर की सिक्योरिटी हो रही है अंदर जाने के लिए। पीपल अनमैनेज्ड है पूरी, यहाँ वहाँ भाग रही है। दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ हमारा। कथा है कि ये दशरथ जी यहाँ रहा करते थे जिसका नाम दशरथ महल पड़ा हुआ है। लेकिन कितना बड़ा महल है, वहाँ से 3 गेट क्रॉस करके हम यहाँ तक आए हैं, 3 गेट क्रॉस करके हम यहाँ तक आए हैं, इतना बड़ा महल है। सो ये कनक भगवान का, इसको माँ कैकेयी ने सीता के मुँह दिखाई में उन्हें ये भवन दिया हुआ था। मंदिर को ओरछा के महाराज ने पुनर्निर्माण किया, बहुत ही भव्य और बहुत बड़ा मंदिर है, अंदर जाने में बहुत ही अच्छा और सुकून फील लगता है। बस थोड़ी सी एक दिक्कत है, कहीं पर कुछ अरेंजमेंट प्रॉपरली नहीं है। छुपा छुपा जल्दी मंकिया मंकिया जेब में डालो। सिद्धि इतना डर गई है कि उसका मंकी ने बिस्किट लेके गया, डर गई इतना वो छुपा रही है। माँ सीता का वह भवन जो उन्हें मुँह दिखाई में मिला हुआ है। सो बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ सीता माँ के, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। हमारी टोली थक चुकी है एकदम, पूरी थक चुकी है, अब कहाँ गई है पूरी टोली ढूंढना पड़ेगा मुझे, थक हार के यहाँ भाग रही है। चेहरा देखो एकदम लाल पीला हो गया है। सरकार चलते चलते थक गई, थक गई है सरकार, थक गई, इलेक्शन आ गया। हम दर्शन के लिए क्या आए, यहाँ पे पूरा चुनाव का सुरूर चढ़ा हुआ है, दर्शन में माहौल से ऐसा लग रहा है कि चुनाव में माहौल चल रहा है यहाँ पर पूरा। रवि यादव एडवोकेट के मौजूद है, सभी समाजवादी साथियों का आज इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। देख लिया आप लोगों ने कैसा सुरूर है, यही तो है उत्तम प्रदेश, हल्का हल्का सुरूर है, इसी यही बात है उत्तम प्रदेश की। अयोध्या दर्शन करने जाना तो राम जी समोसा वाले के चाय समोसा जरूर खा के जाना। इसी चाय की सुशी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको अयोध्या नगरी का पूरा ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, औरों के साथ शेयर करना। तो इसी के साथ मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। अयोध्या नगरी और अवध नगरी की ये चाय के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड।